जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके रूप में इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं गोपाष्टमी की। कार्तिक माह का पावन महीना चल रहा है और भगवान श्री हरि विष्णु के जागृत अवस्था में आने का समय पास में आ रहा है। तो इसी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है जो भी भक्तजन आज के दिन गाय और बछड़े की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज गोपा अष्टमी पर विशेष वीडियो लेकर मैं आपके बीच हूँ। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात मैं कर रही हूँ गोपाष्टमी, जो की 8 नवम्बर दिन शनिवार को है। 9 नवम्बर को आंवला नवमी है, उसकी वीडियो शॉर्ट आपको दी हुई है और आपने देखी भी होगी। बात कर रही हूँ गोपाष्टमी की। देखिए, मैं अगर मान्यताओं की बात करूँ, धार्मिक मान्यताओं की बात करूँ, भगवान श्री कृष्ण की बात करूँ, जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की बात करूँ, तो गायों का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपाचार किया था और भगवान श्री कृष्ण गायों के साथ खेला करते थे। गायों और बछड़ों से उनका विशेष लगाव था। जो व्यक्ति, जो जन अपने जीवन की अनेक समस्याओं से जूझ रहे हो, खास तौर से बच्चों से संबंधित परेशानियां जिनके जीवन में हो, बच्चे कहना नहीं मानते हो, बच्चे गुस्सा करते हो, बच्चे कामयाब नहीं हो, बच्चे गलत आचरण में हो, बच्चे गलत संगति में हो, तो इस गोपाष्टमी के दिन को हाथ से जाने मत देना। ये खास फल देने वाला दिन है और ये आपके लिए निश्चित उपयोगी साबित होने वाला दिन है। गोपाष्टमी के दिन बछड़े वाली गाय की पूजा करने का विधान बताया गया है। अगर आपके घर में या आसपास कहीं गाय और बछड़ा हो तो समझ लो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। मैं आपको क्या ही बोलूं, अगर नहीं हो तो आज के दिन अपने घर में चाहे आप मिट्टी के, चाहे चीनी मिट्टी के, चाहे चांदी के, जो भी गाय बछड़ा अगर आप लेके आते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। अपने घर के अंदर मंदिर में अगर आप गाय और बछड़ा स्थापित करते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है कि जब आप लेकर आ सकते हो। वीडियो पहले ही मिल जाएगी, वो अगर आप वीडियो देखकर आपके मन में इच्छा हो तो गाय और बछड़े, जो दूध पीता हुआ बछड़ा होता है, ऐसी गाय की कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, कोई प्रतिमा किसी भी धातु की हो, आप अपने घर लेकर आइए। और अगर आपको ऐसा कोई चित्र मिलता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण गायों के साथ खेल रहे हैं, यानी कि गाय है और गाय के साथ अक्सर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते नजर आते हैं, ऐसी कोई छवि मिले तो बाजार में ढूंढने का प्रयत्न जरूर करिएगा। गोपाष्टमी 8 नवंबर दिन शनिवार, हमें करना क्या है? प्रातः काल आप अपने घर में जो भी पूजा करते हैं, सफाई करते हैं, वो करिए। और आप अपने घर में अगर आप गाय और बछड़ा आपका पहले से भी है तो आवश्यकता नहीं है लाने की। अगर पहले से नहीं आप लाए हैं तो घर में पूजा करिए, और अगर आप लाए भी नहीं और पहले से भी नहीं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप जहां कहीं आसपास गाय और बछड़ा हो उसके निमित्त आप कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न करिए। आप एक बिल्कुल साधारण सी चीज बता रही हूँ जो आप पूजा कर सकते हैं, जिसकी आप थोड़ा सा जल लीजिएगा, जिसमें कि हल्दी डालिएगा, एक चुटकी दो चुटकी हल्दी डालिएगा, ठीक है। गुड़ और चना लीजिएगा या गुड़ की रोटी बनाइएगा या रोटी के ऊपर गुड़ और चना रखिएगा, किसी भी तरह करिएगा, तो वो आप लेके जाइए, फूल लेकर जाइए, रोली और चावल लेकर जाइए। अगर हल्दी ले जाए तो हल्दी भी लेके जाना जा सकते हैं। आप जहां पर गाय बछड़ा हो आप उनसे कहिए कि हमें गाय की पूजा करनी है। देखिए, इतना सर्वश्रेष्ठ दिन है, कोई गाय की पूजा करने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि आज के दिन होती है गाय बछड़े की पूजा, और गाय बछड़े की पूजा करने से ही आपके जीवन में खुशहाली आती है। तो गोपाष्टमी, इसीलिए नाम इसका गोपाष्टमी भी है, घर घर गायों की पूजा होती है, तो आपको जहां यथासंभव मिले करें, नहीं तो गौशाला में तो गाय बछड़े सब होते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जरूर जाइए। मैं अक्सर बताती हूँ, जिनको बच्चों से संबंधित कोई भी परेशानी है, बच्चे हो नहीं रहे हो तो भी, और बच्चे हो और वो आपके कंट्रोल में ना हो तो भी, आप महीने में एक बार या दो महीने में एक बार कभी ना कभी आप गायों वाली जगह यानी गौशाला में आपको जरूर जाना चाहिए। बच्चों को साथ लेकर जाना चाहिए, बच्चों के हाथों से हरा चारा खिलवाना चाहिए, बच्चों का हाथ उनकी पीठ पे फिरवाना चाहिए, तो निश्चित बहुत अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है, पॉजिटिविटी आती है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, गुड़ चना या मीठी रोटी के ऊपर गुड़ चना रखकर और हल्दी वाला पानी लेकर आपको जाना है। गुड़ और चने वाली रोटी या गुड़ और चना खिलाइए, इससे क्या होगा, आपका शनि ग्रह और मंगल ग्रह भी मजबूत होगा, भगवान श्री कृष्ण की अटूट कृपा आपके ऊपर बरसेगी। हल्दी युक्त पानी पिलाने के लिए मैं बोल रही हूँ, हल्दी युक्त पानी,
आप पानी लेकर जाइए और हल्दी लेकर जाइए, नहीं तो वहीं से बाल्टी में पानी लीजिए और हल्दी अपने साथ लेकर जाइए, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और गैया माता को पिला दीजिए। अगर गैया माता ने हल्दी युक्त पानी पी लिया और आपके हाथ से गुड़ चना खा लिया, तो आप ये समझ लेना कि आपका तो समझ लो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपके जीवन में वो कार्य हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आपके बच्चे सही राह पर नहीं है और आपने उनके निमित्त इस कार्य को किया है, तो बच्चे भी सुधर जाएंगे। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अगर जहां किसी को गैया ना मिले, कहीं गौशाला भी ना मिले, आपको ऐसा लगता है गौशाला भी नहीं है, गैया भी नहीं है, हम क्या करें, तो भी एक मिट्टी के पात्र में कोई झमेला ले लीजिए, मिट्टी का कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर अगर आपके पास नया नहीं है, पुराना है, साफ सुथरा धो के पवित्र करके उसे भी ले सकते हैं आप। उसके अंदर गुड़ और चना रखिए और अपने हाथ में लेकर मनोकामना बोलिए, बच्चों का भी हाथ लगवाइए और जाकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। आप ये सोचिए, भगवान श्री कृष्ण को गैया बहुत प्रिय है, ये मैंने गैयों के लिए गुड़ चना लिया, हे प्रभु गैया इसको खा ले। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपके देखिए मन के भाव शुद्ध होने चाहिए, सब कुछ भाव पर आधारित है और जो आउटपुट होना है वो भी आपके भाव पर के अकॉर्डिंग ही होना है। जो हम देते हैं यूनिवर्स वही हमें लौटा कर कई गुना कर देती है, घूम फिर के हमारे पास जरूर आता है, अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए कभी किसी का बुरा करने के लिए सदैव मना करते हैं और यही कहते हैं अपने कर्मों को स्ट्रोंग करो, कर्मों को स्ट्रोंग करो तो आपकी पूजा पाठ उपाय सब काम आएंगे। तो आज यानी कि 8 नवंबर पर गोपाष्टमी के दिन इस कार्य को पूरे दिन में कभी भी कर लीजिएगा। गाय के निमित्त भोजन और हल्दी युक्त पानी अगर कहीं भी ना मिले, आपको लगे कि मंदिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो केले के वृक्ष की जड़ में गुड़ और भुने हुए चने, मैं चने बता रही हूँ, आप काले चने ऐसे सख्त मत ले जाइएगा गाय माता के लिए, भुने हुए चने, वैसे चने की दाल भिगो के खिलाते, लेकिन नहीं, इसमें मैं भुने हुए चने बोल रही हूँ जिनके ऊपर काला काला छिलका भी होता है। भुने हुए चने और गुड़ लेके जाइए, हल्दी पानी लेके जाइए, केले के वृक्ष की जड़ में आप उसको अर्पित करिए हल्दी युक्त पानी को, और उसके बाद आप उसमें वहां पर गुड़ और चना रखिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, घी का दीपक जलाइए, मन ही मन भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए, आपके तो बस बारे न्यारे हो जाएंगे। तो गोपाष्टमी की अनंत से अनंत शुभकामनाएं, बहुत सरल और सही चीज मैंने आपको बताई है, करेंगे तो इसके रिजल्ट 100 out of 100 मिलेंगे। कार्तिक का महीना जल्दी नहीं मिलेगा, एक साल से पहले गोपाष्टमी नहीं मिलेगी, एक साल से पहले जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की प्रिय गैया की पूजा करने के लिए नहीं मिलेगी। तो जरूर करिए गोपाष्टमी पर ये कार्य। आज के लिए इतना, इजाजत दे दीजिए, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपनों का ख्याल कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स आप शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलना। ईश्वर आपकी मदद।